टी20 के बाद अब वनडे की है बारी। आज किसी भी टीम ने ना जीती ना हारी। श्रीलंका की आखिरकार मेहनत रंग लाई, पहला मुकाबला भारत के खिलाफ टाई करवाई। जी हाँ, भारत और श्रीलंका के बीच वनडे सीरीज की शुरुआत हो चुकी है और पहला मुकाबला टाई हो चुका है। हाँ, टाई। ऐसे तो सारे लोग ये सोचते होंगे कि श्रीलंका से भारत का मुकाबला है, आसानी से भारत जीत जाएगी। और वास्तव में भारत बहुत मजबूत टीम है भी श्रीलंका से, लेकिन भारत और श्रीलंका का जो मैच अभी तीनों टी20 भी हुआ है या फिर आज पहला वनडे भी हुआ है, इसमें पैरेलल दोनों टीमें लगी है। बहुत ज़्यादा हाई फाई भारतीय टीम नहीं लगी है श्रीलंका के सामने। उसका सिर्फ और सिर्फ एक रीजन है। क्या रीजन है बताइए आप लोग? उसका सिर्फ और सिर्फ एक रीजन है, पिच। श्रीलंका अपने देश में जो पिच बनाती है उस पर बहुत मजबूती से खेलती है श्रीलंका, इस बात को आपको मानना पड़ेगा। टी20 मुकाबले तो तीनों के तीनों जीत गए, लेकिन वनडे मुकाबले हारते हारते इंडिया भी बची है और हारते हारते श्रीलंका भी बची है। कभी श्रीलंका ऊपर, कभी इंडिया ऊपर, कभी इंडिया नीचे, श्रीलंका नीचे, लेकिन अंततोगत्वा मैच टाई हो गया है। ऐसे अगर आप बात कीजिएगा श्रीलंका टीम का और इंडिया टीम का, तो भारत के जो विराट कोहली के रन है 13,899 रन, उतने पूरे टीम मिला करके श्रीलंका के नहीं है। श्रीलंका के जितने भी बल्लेबाज खेल रहे हैं सारे का टोटल रन अगर ODI का जोड़ दीजिए, फिर भी विराट कोहली के इतना रन नहीं पूर पाता है। और उस टीम से मुकाबला इतना रोमांचक हुआ है कि देखने लायक मुकाबला था, एब्सोल्यूट सिनेमा था, एकदम सिनेमा, थ्रिलर, सस्पेंस, ऐसा मूवी जैसे आज का मैच हुआ है। क्या क्या मैच में घटा है बात करते हैं दोस्तों शुरू से, तो पता चलेगा आपको कि पहले श्रीलंका टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला करती है और इस ग्राउंड पर प्रेमदासा स्टेडियम कोलंबो में जो टीम पहले बल्लेबाजी करती है वही टीम लगभग टीम मैच जीतती है। क्योंकि ऐसे दूसरे ग्राउंड पर अगर आप देखिएगा तो जो टीम दिन में बल्लेबाजी करती है उसको थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि गेंदबाजी को ग्रिप ज़्यादा मिलता है, रात में थोड़ा सा ओस गिरता है, पिच टूटता है, तो बल्लेबाजी आसान हो जाती है। लेकिन प्रेमदासा स्टेडियम पर प्योर उल्टा होता है। इस ग्राउंड पर जो पहले टीम बल्लेबाजी करती है वो आसानी से रन बनाती है और जो बाद में चेस करती है उसको बहुत मुश्किल होता है। तो पहले बल्लेबाजी करने आती है श्रीलंका और शुरुआत कुछ खास नहीं रहती है। अब इसका फ्रांडो उनका विकेट जल्द ही सिराज ले लेते हैं, उसके बाद ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाते हैं कुशाल मेंडिस भी, लेकिन पथुम निशंका की जबरदस्त 56 रनों की पारी देखने को मिलती है। निशंक पारी देखने को मिली है बराबर श्रीलंका के लिए, जबरदस्त बल्लेबाजी कर रहे हैं, चाहे टी20 हो, चाहे वनडे हो या फिर टेस्ट हो। उसके बाद श्रीलंका की शुरुआत से ही विकेट मैन मौके पर गिरते जाती है और 142 रन पर एक समय 6 विकेट हो जाते हैं, 178 रन पर 7 विकेट हो जाते हैं। वहां से लगते हैं कि 200 रन भी शायद नहीं बना पाएगी श्रीलंका, लेकिन फिर दिमुथ बेलालागे जो हमेशा भारत के लिए सरदर्द बने हैं बॉलिंग से भी और बैटिंग से भी। आपको एक याद होगा एक और मुकाबला जिसमें बेलालागे 50+ रन बना करके भारत से लगभग मुकाबला छीन लिए थे, और आज भी 200 बेलालागे की जबरदस्त 67 रनों की इनिंग नवाद ने 230 रन तक श्रीलंका का स्कोर पहुंचा दिया है। तो ऐसा लग रहा था कि पिच में मदद है, स्पिनर के लिए काफ़ी मदद थी, उछाल था, बाउंस था, टर्न भी था, तो ऐसा लग रहा था कि भारत में 8 नंबर तक बल्लेबाजी है, आसानी से मुकाबला जीत लेंगे। लेकिन बल्लेबाजी करने जब आते हैं सुमन गिल और रोहित शर्मा साहब भारत के लिए, तो लगभग टी20 ही खेल रहे थे रोहित शर्मा। अब रोहित शर्मा टी20 से संन्यास ले लिए हैं तो वो सोचे हैं कि वनडे में ही हम टी20 खेल लेते हैं। 58 रनों की पारी खेली है 47 गेंदों में, एक समय तो 6 ओवर में लगभग 59 रन बना दिए थे रोहित शर्मा और सुमन गिल ने मिल करके, 10 ओवर में 70 रन बना दिए थे। वहां से लग रहा था कि भारतीय टीम आसानी से 25 से 30 ओवर में मुकाबला समाप्त कर देगी, लेकिन गलत शॉट खेल करके सुमन गिल साहब आउट होते हैं। उसके बाद बल्लेबाजी करने आते हैं विराट कोहली साहब। विराट कोहली और रोहित शर्मा बल्लेबाजी करते रहते हैं तो फिर रोहित शर्मा हर बॉल पर आरा तिरछा स्वीप शॉट खेलने के चक्कर में एक बॉल उनके पैर पर लग जाती है और LBW हो जाते हैं। फिर उसके बाद बल्लेबाजी करने आते हैं 5 नंबर पर वाशिंगटन सुंदर, और वाशिंगटन सुंदर ने भी कुछ खास नहीं किया और 5 रन बना करके चलते बने हैं। लेकिन फिर श्रेयस अय्यर और विराट कोहली के बीच कुछ हद तक साझेदारी होती है, लेकिन फिर विराट कोहली को जबरदस्त गेंदबाजी के बदौलत हसरंगा साहब आउट कर देते हैं और 4th विकेट भारत की ले लेते हैं। उसके जस्ट अगले ओवर में फिर श्रेयस अय्यर साहब भी चलते बनते हैं, 24 रन विराट कोहली, 23 रन श्रेयस अय्यर बना करके आउट हो जाते हैं, 5 विकेट गिर जाते हैं। वहां से 100 रनों की दरकार होती है भारतीय टीम को, और बल्लेबाजी करने आते हैं अक्षर पटेल साहब। अक्षर पटेल और KL राहुल
टीम को निकालते निकालते 58 से 60 रनों की पार्टनरशिप करते हैं और टीम को लगभग निकाल दिए थे बुरी स्थिति से। फिर छक्का मारने के चक्कर में केएल राहुल साहब आउट हो जाते हैं, उसके बाद फिर अगले ही ओवर में अक्षर पटेल साहब आउट हो जाते हैं। अब वहाँ से 32 रनों की दरकार होती है जीतने के लिए और भारत के 7 विकेट गिर जाते हैं और एकमात्र बल्लेबाज बचे रहते हैं शिवम दुबे साहब। लेकिन शिवम दुबे साहब को जो ये मुकाबला था वो उनके लायक मुकाबला था ही नहीं, सिंगल डबल आराम आराम से उनका गेम ही नहीं है खेलना, लेकिन वो फिर भी टीम को आगे ले जाने के लिए वो सर्वाइव किए हैं और लगभग टीम को जीत के उस पार तक पहुँचा चुके थे। 24 गेंदों में 25 रनों की जबरदस्त पारी खेली है और एक रन मात्र जीतने के लिए था, तो शिवम दुबे साहब आउट हो गए हैं और शिवम दुबे साहब 9वां विकेट हुए हैं आउट। और लास्ट विकेट जो अर्शदीप सिंह थे और एक रन जीतने के लिए था, चरित असलंका की जबरदस्त गेंदबाजी के बदौलत एक रन भी वो नहीं बना पाए हैं और LBW अर्शदीप सिंह छक्का मारने चले गए हैं और आउट हो गए। अर्शदीप सिंह का ये थोड़ा सा बेवकूफीपन देखने को मिला है, क्योंकि जब आपको एक रन था तो आप आराम से या तो खेल लेते, क्योंकि नॉन स्ट्राइकर पर सिराज थे जो आसानी से रन बना रहे थे मोहम्मद सिराज। अब मोहम्मद सिराज की बात कीजिएगा तो श्रीलंका के तरफ से भी एक मोहम्मद सिराज देखने को मिला, दोनों टीमों में मोहम्मद सिराज खेलने को मिला आज देखने को मिला और मोहम्मद सिराज आज उधर से भी बॉलिंग किए हैं और मोहम्मद सिराज इधर से भी बॉलिंग किए हैं। हालांकि उनको विकेट नहीं मिला है श्रीलंका के गेंदबाज मोहम्मद सिराज को, उनका डेब्यू था क्योंकि बहुत सारे प्लेयर चोटिल हैं श्रीलंका के। जी हाँ, और इसी तरीके से मुकाबला आज का टाई हो गया है। भारत इससे नाखुश जरूर होगी लेकिन श्रीलंका जरूर खुश होगी, क्योंकि उनका भी हारा हुआ लगभग मुकाबला था, एक रन मात्र बनाना था और 2 विकेट थे और दोनों विकेट कप्तान चरित असलंका लेकर के मैच को टाई कर दिए हैं। जैसे सूर्या कुमार यादव T20 में टाई किए थे दोनों विकेट लेकर के, और आज फिर चरित असलंका ने टाई करके मैच में कम से कम टाई करके लगभग उनके जीत के समान मैच है। बेल, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। जब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।